दोस्तों अरब जगत में या फिर जीसीसी किसी भी कंट्रीज़ में यहाँ अरबियों के कल्चराइज फंक्शन कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इनकी रहन सहन, इनके शादी, इनके खान पान, इनकी डांस मौज मस्ती किस तरीके से मनाई जाती हैं, गवर्नमेंट की कौन कौन सी फैसिलिटी इनको मिलती है, इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, कोई भी नॉनवेज चीज़ खाते हुए या फिर बनाते हुए नहीं देख सकते तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि अरबियों का जो कल्चराइज सिस्टम है यहाँ पर ओनली नॉनवेज चलता है। फॉर एग्जांपल ये पूरे ऊँट को एक साथ पकाते हैं, बड़े से तबाक में उसको बनाते हैं, उसके बाद बिरयानी वाले राइस इसके ऊपर लगाते हैं और सारे लोग मिलजुल कर खाते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि अरबी लोग किस तरीके से डांस पार्टी को अटेंड करते हैं, तो फिर अब आपको मज़ा आने वाला है एक अरबिक डांस का। यहाँ पर कोई सपना चौधरी वाला डांस नहीं होता है, यहाँ एक सिंपल ट्रेडिशनल डांस होता है, इसका आप इंजॉय कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट की अरबियों को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, कितनी सारी फैसिलिटी, कितना सारा रुपया मिलता है इस तरीके के डांस और इस तरीके की पार्टीज़ को अटेंड करने के लिए। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं डांस की, अरबियों को डांस किस तरीके से होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे ऊँट को किस तरीके से एक बड़े तवाक में रखकर बना दिया जाता है, यहाँ एक बहुत ही फेमस ऊँट बिरयानी होती है जो कि पूरे ऊँट का उसके कुछ वेस्टेज निकालने के बाद एक बड़े से बर्तन में रख देते हैं और चावल के साथ उसको परोसा जाता है और उसके बाद खाना खाते हैं। कैसा कैसा मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने इन सब की रिसर्च की और मुझे बहुत सारी चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर पूरे ऊँट की भी बिरयानी मिलती है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ तक तो आप देख रहे थे एक जनरल, एक नॉर्मल अरबी लोग जीसीसी के बहुत सारे कंट्रीज़ में जो इनका खान पान है, जो भी इनका कल्चर है, जो भी इनका रहन सहन है। अब जरा बात करते हैं कि रॉयल फैमिली अपनी शादी, अपनी वेडिंग, अपनी पार्टीज़ किस तरीके से अटेंड करती है, उनका लुक पूरा ही टोटली डिफरेंट होता है। कुछ जगह पर यहाँ शादियों में पटाखों की जगह बंदूकें भी चलाई जाती हैं। और कुछ जगह पर बहुत ही हाई फाई डेकोरेटिव स्टैंडर्ड खर्चा होता है, लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है, यानी बहुत कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है।
जिस तरह मैंने आपसे वायदा किया था कि सबसे लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अरबियों को, यहाँ के लोकल्स को, सिटीजन्स को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ यूएई में हूँ पिछले 10 से 12 सालों से। तो यहाँ हमें 5% वैट देना पड़ता है अपनी हर एक चीज़ पर, हर एक ज़रूरत की चीज़ परचेज करने पर 5% वैट होता है। लेकिन अरबी यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, उनकी जो भी इनकम है ना वो टोटली वैट फ्री होती है। उसके अलावा उनका जो भी इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हॉस्पिटल के जो भी खर्चे हैं जितने भी हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट पे करती है। हमारा भी इंश्योरेंस होता है, कंपनी की तरफ से होता है, लेकिन हम रेजिडेंसी हैं, हमारा इंश्योरेंस हमारी कंपनी की तरफ से होगा, जो भी अमाउंट होगा हमारी कंपनी पे करेगी या फिर हमारी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। लेकिन अरबिक के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ के लोकल के लिए ऐसा नहीं है, उनका जो भी मेडिकल कॉस्ट है, जो कुछ भी है ना, वो यहाँ की गवर्नमेंट उनकी तरफ से पेमेंट करती है। उनके बच्चों की एजुकेशन की अगर बात करें तो फिर सारा का सारा खर्चा, उनके बच्चे कितना भी पढ़ना चाहें, ग्रेजुएशन करना चाहें, MBA करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, यहाँ तक कि अब्रोड विदेशों में भी अगर पढ़ाई करना चाहें तो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही सारा खर्चा होता है। एक और मज़े की बात आपको बताता चलो, जो हम फ्यूल डलवाते हैं, जो पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं, हमें उसका एक एक सिंगल दिरहम भी देना पड़ता है। लेकिन अरबिक के केस में ऐसा नहीं है, वो जितना ही पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाएंगे उतनी ज़्यादा ही उनको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट उनके अकाउंट में आता रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। किसी भी लोकल को अगर यहाँ पर घर बनाना होता है तो फिर वो गवर्नमेंट से या फिर किसी और दूसरी बैंक से लोन ले सकता है, जो कि टोटली इंटरेस्ट फ्री होता है, और उसकी जो प्रीमियम है वो अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर सकता है। वो चाहे 10 साल में पे करना चाहे, 20 साल में पे करना चाहे, 30 साल में पे करना चाहे, ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होती है और टोटली इंटरेस्ट फ्री होता है। जीरो इंटरेस्ट के साथ उनको होम लोन या कोई भी पर्सनल लोन यहाँ पर मिल जाता है। और एक और मज़े की बात बताता चलूँ, यहाँ पर किसी भी लोकल की अगर शादी होती है या किसी लोकल के घर में किसी की शादी होती है, लड़की की या लड़के की शादी होती है, तो यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट एज ए 70,000 दिरहम्स उसको एज ए वेडिंग कॉस्ट मिलती है। यानी शादी करने के टाइम पर लड़के वाले को, लड़की वाले को, दोनों की तरफ दोनों को ही 70,000 दिरहम, जो कि इंडियन होते हैं 14 से 15 लाख रुपीज़, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से उनको दी जाती है एज ए सपोर्ट, वेडिंग सपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अरबिक स्टाइल जो कल्चर हम कह सकते हैं वो ये है कि इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल, हमारे मुल्कों में क्या होता है कि लड़की वाले को दहेज या फिर कैश अरेंजमेंट करनी होती है लड़के को देने के लिए। लेकिन यहाँ के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर लड़के को हर एक चीज़ की अरेंजमेंट करनी होती है, चाहे वो घर की हो, चाहे वो फर्नीचर की हो, चाहे वो गाड़ी, बंगला, जो भी कुछ फैसिलिटी चाहिए लड़के को वो उसको खुद ही करनी होती है। उसके बाद में उसने लड़की को मेहर के तौर पर कुछ ना कुछ कैश भी देना होता है, ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, 1 दिरहम से लेकर 1 अरब दिरहम कितना भी हो सकता है, ये लड़के को अपनी तरफ से लड़की के लिए देना भी होता है। और यहाँ पर हर एक शादी के बाद में वलीमा की रस्म होती है, यानी कि शादी के बाद में जिसको हम डिनर पार्टी कह सकते हैं, जिसको हम फूड पार्टी कह सकते हैं, वो चलती है शादी के बाद में, शादी से पहले कुछ भी नहीं होता है। और उस वलीमा पार्टी की जो हालत थी वो आपने देख ही ली थी कि यहाँ पर पूरे पूरे ऊँटों को भी देगों में पका कर खिलाया जाता है, या फिर मटन तो बहुत कम ही है, ज़्यादातर यहाँ पर ऊँट की पार्टी चलती है, तो जो कि आपने देख ही लिया है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर एक लोकल कोई भी आदमी यहाँ पर 2 शादियाँ 3 शादियाँ 4 शादियाँ तक करते हैं, तो हो सकता है किसी के लिए अजीब हो, लेकिन इस्लाम के अंदर यानी इस्लाम के मानने वाले लोग, एक आदमी 4 औरतों से शादी कर सकता है, ये इस्लाम की शरीयत उसको इजाज़त देती है, और यहाँ की गवर्नमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर अक्सर हर एक लोकल की 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ 4 बीवियाँ तक होती हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल सी और आम बात है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अरबिक कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी सारा आपने एंजॉय किया होगा, कई मसलों पर आपको हंसी भी आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कौन सी लगी, कौन सा कल्चर फंक्शन इनको आपको सबसे अच्छा लगा। आज की वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।